मध्याह्न खबर को स्वागत करुछु मु माधुरी। प्रथमे हेडलाइंस आंदोलन रे 4000 छटेई कंप्यूटर शिक्षक आज अहरात्र आमरण अनशन ओसेपा ऑफिस आगे शिक्षकों धारणा दावी पूर्ण न होले सामूहिक आत्महति चेतावनी। चारिमास परे हजारे तळकु खसिला दैनिक संक्रमण 24 घंटे 886 पॉजिटिव खोर्धारु 253 कटकु 81 आक्रांत सेपटे पुणी 66 जीवन नेला भाइरस। ढेंकानाल विकास व स्वास्थ्य सेवार खोलिला मुखा रास्ता नथिबारु आसी पारिलानी आंबुलांस 2 किलोमीटर दोलारे बुहा हेले गर्भवती विपद संकुल अवस्थारे पार हेले रामियाळ नदी कूळरे ही करिले प्रश्न। जाजपुर मनरेगा घोटाला अनियमितता अभियोग तीन अधिकारी निलंबित विचारपुर करी पंचायत रे केलेंकरी खबर प्रसारण पर कार्यानुष्ठान एवं प्रश्न एक तीन अधिकारी आउ किए अच्छा सामिल। जातिसंघ सुरक्षा परिषदर ओपन डिबेट रे अध्यक्षता करे मोदी एभली करिपारे प्रथम भारतीय पीएम समुद्र सुरक्षा को नहीं आलोचना सामिल हे रुषिया राष्ट्रपति। आज मिल पीएम किसान नवम किस्ती अन्नदाता अकाउंट को जीव 19500 कोटी टंका उपकृत हे 9,75,00,000 परिवार किस्ती को मंजूर पर चाषी कथा प्रधानमंत्री। स्कूल पर आज राज्य में खोल वैषयिक शिक्षानुष्ठान केवल शेष वर्षर छात्र छात्री को क्लासरूम शिक्षा लगी अनुमति छात्र छात्री नेगेटिव रिपोर्ट बाध्यतामूलक। दीर्घ दिन पर सुवर्णपुर खोल धर्मानुष्ठान कोविड गाइडलाइन रे धर्मानुष्ठान खोल को जिलापालों निर्देश श्रावण तृतीय सोमवार शिव मंदिर में गहन। आसो संपूर्ण खबर को आंदोलन में 4000 छटे कंप्यूटर शिक्षक 2 वर्ष हेबो शांतिपूर्ण आंदोलन पर भी सुफल मिललानी यार प्रतिवाद रे ओसेपा ऑफिस आगे अहरात्र आमरण अनशन करिछन्ते शिक्षक यहसह दाबी पूर्ण न होबा पर्यंत कला ब्याच पिंधिबे आंदोलनकारी ओसेपा गेट रे ताला पकाइबा सह फिनाइल पी सामूहिक आत्महुति धमक देछन्ते। शिक्षामंत्री शिक्षा सचिव व ओसेपा निर्देशकों को चूड़ांत निष्पत्ति नेपाकु 7 दिन समय देते समाधान न होबारु एबे आंदोलन को जोरदार करिछे संघ। बाबतरे अधिक सूचना पाई आम सहित सीधासलख जोड़ी रुचंते आम रिपोर्टर सत्यरूपा सामंतराय। सत्यरूपा शिक्षकों दाबी कौन रोच देखो तो माधुरी आज को दीर्घ वर्ष धरिकी जितेबाला से माने आंदोलन को ओल्लैले शांतिपूर्ण आंदोलन करते से सरकार शुणुन पाखापाखि 4,000-5,000 कंप्यूटर छटे जो शिक्षक शिक्षयत्री रही आज ओसेपा ऑफिस सम्मुख में धारणा देते आप सीधासल चित्र ओसेपा ऑफिस देखिपे माधुरी किभली भाव में आंदोलन रही से 7 दिन मुहलत दे शिक्षा विभाग को 7 दिन 7 दिन भितर जदि से 7 दिन भितर जदि कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण करना चाकरी कन्फर्मेसन न करुंक जो छटे चाकरी जो रही छटे जो चाकरी दि न सामूहिक भाव में 4000 जो रही 4000 जो रही छटे शिक्षक जो रही शिक्षक शिक्षयत्री आंदोलन आंदोलन को ओल्लैबे और विष पी आत्महत्या करें जहाँ से प्रतिक्रिय प्रकाश कर देखिपे कि भाव में आंदोलन आंदोलन को चाकरी रु छटे ओसेपा गेट्रे ताल पकाइबा सह फिनाइल पी सामूहिक आत्महुति पाई धमक देउछन्ते शिक्षक किंतु 2 वर्ष हेब शांतिपूर्ण आंदोलन कले आज सुफल न मिलिपारु एभली आंदोलन को जोरदार करिछे संघ एवं अधिकारी पक्षर कौन पदक्षेप नि रही नजर पूर्व धन्यवाद शत्रुपा समुद्राय आम रिपोर्टर आवश्यक चुनाव। आसिया परवर्ती खबर को आज क्रांति दिवस उपलक्षे ओडिशा यात्रा कलाकार कर्मचारी संघ और नवनिर्माण कृषक संगठन पक्षर विभिन्न दाबी नहीं विक्षोभ प्रदर्शन करा जाउछे।
जगतसिंहपुर जिलापालों कार्यालय सम्मुखें विक्षोभ प्रदर्शन कलाकार मानिक 5000 टंका भत्ता कृषक मानू 5000 टंका भत्ता सुरक्षा बीमा आदि विभिन्न दाबी नहीं आज संगठन पक्ष मुख्यमंत्री उद्देश्य जिलापाल दावीपत्र प्रदान कर अधिक सूचना जगत सिंहपुर रिपोर्टर मानस कानून को जोड़े रही मानस कृषक संगठन पक्षर जो विक्षोभ प्रदर्शन मुख्यतः सेवन कौन दावी रही देखु माधुरी जी गोटे कलाकार जितेबाद रंग माखी जो रंग मंच उपरकू जाए से निजर भावाबेग को एवं संसार समस्त जिनस को से लोक सुखी कराए कि जित्रा कलाकार आज राजस्तार बसी निजर जीविका जीवन हरवा बेले आज जिलापा कार्यालय धारण में बसी मसिक 5000 टंका जो भत्ता दाबी कर आज बसी नहीं जिलापा आज दाबीपत्र दिज्व एवं केवल जित्रा कलाकार नुंती सहित अच्छा ब्यूटी पार्लर कर्मचारी एवं सेलून कर्मचारी नवनिर्माण कृषक संगठन कर्मचारी किभली भाव में आंदोलन करते कोरोना महामारी जीवन जीविका हर किभली भाव में बचे से संग्राम आज जारी रही आज जिलापा कार्यालय सम्मुखें धारण बसते आम पाख रही नवनिर्माण कृषक संगठन संपादक रही किभली भाव में जो पचार आज जो धारणा को ओल्लैंट कौन रही दावी आप जानती दीर्घ 15 मास ये जो कोरोना ये कोरोना रे आज विशेषकर कलाकार चाषी बुणाकार ठार आरंभ कर उठा दुकानी ये सब क्षतिग्रस्त आज खणी पा बिक्री सर राज्य में नरेन्द्र मोदी साढ़े घोषणा कर 22 लक्ष कोटी देवी लोक मान उपकार किंतु आज 22 पैसा पहुँचला ना आज यात्रा अनुष्ठान बंद हो सिनेमा थिएटर आरंभ कर समस्त कार्यक्रम बंद हो तेणु चाषी आज बिल ना आज कलाबजारी हो सार चाषी आज तार उत्पादित द्रव्य बिक्री कर पारुनि ये जो विपदर अच्छी सरकार को आम बारंबार दाबी करुँ मसकू 5000 टंका सुरक्षा भत्ता दि से जो 15-16 मस है जो कष्ट भोगलु तेणु 16 मसर 5000 टंका हिसाब से 80000 टंका सरकार आमको तुरंत प्रदान करने संगे संगे एरियर ता सहित मसकू 5000 टंका सुरक्षा भत्ता दिंतु ना दुर्बार आंदोलन हम केवल चाषी नुह कलाकार एवं जिम मालिक ठार आरंभ कर समस्त उठा दुकानी पर्यंत कौन मसिक 5000 टंका दाबी आज दाबी नुह दीर्घ दिन दाबी रही सरकार पाखे तो आज पर्यटन हो पाने आम पाक रही जित्रा कलाकार संगठन बर्षियान कलाकार रही कि भाव में आज जो आप राजस्ता को ओह्लैया बाध्य है जो मंच को ओह्ल आज राजस्तार ओह्ल बसी कौन कह दाबी तो अनेक रही अनेक थर तो आम जाकि दाबीपत्र किंतु सरकार ताकि ग्रहण करना शेष को आम बाध्यलु जोबले जीविका चलीगला जीवन चली जा कलाकार मैंने बचे केमी तेणु आम सरकार को जिलापा जरिया अनुरोध करुच्छू दाबीपत्र से देवाक आसीचु जे आमको सुरक्षा भत्ता प्रतिमास 5000 लेखा आमको दि जाऊ जत दिन जाए ता ना आगामी दिन में ये बहुत भयंकर हम समस्त मन से दुर्बार आंदोलन हम केवल जो जीवन जीवन जीविका जितेबाला बंधा पड़े पुणी आम पाखे जो बर्तमान कलाकार अच्छे माँ कौन कह आज रंगमंच गोले राजरास्ता गोले आज्ञा मुहरे पाउडर नाई आज वास्तव जीवन अनुभव कर कलेक्टर द्वार बसीचु भिक मागवापी भिक मागवापी आसीचु आम निजे निजे रोजगार करजे पशी निजो पैसा चली था आम सरकार द्वार को आसी नु सरकार जो आम पैसा को बंद कर देते तेणु आम आसिक कलेक्टर अफिश द्वार मुहर बसीचु सरकार आपत्ति करुचु जे आम बचू केमी आमर जो धारा जाऊँगी से धारा पूरण होती कही मुना आम तो घर बाहरी बहुत थर बाहर राजरास्त बसिलु आम दाबी शुणुना तेणु बड़ भाई तो कहले माने आमे जहाँ दाबी कर हाथ जोड़ी अनुरोध करम दाबीटा शुणा जाऊ सरकार को बारंबार नवेदन करते कलाकार आज दुख मेटि पार नहीं जहाँ को लेकिन राजरास्त आज रही आम रही कृषक संगठन आज जो कर्मकर्ता रही किभली दाबी बारंबार होती सरकार कहीं शुणुना कथा होची आमर हिंदू धर्मर सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ होची वेद जो वेद रे कला को स्थानित करा जाइची आमको दुख लगुची ये भारत भारतर संविधान रे वेद रे स्थान पाउथिबा कला को कहीं स्थान दिया जीवन नहीं एवं जो कलेक्टर जिलापाल रही पाखरे कलाकार कहीं आज न्यून हबो
ये हूँ प्रथम प्रश्न। द्वितीय कथा जो कला को लेकर आज ये जो कला को लेकर समस्ते आज चिंतित कलार जो अप जो प्रसार प्रसार दिगरे जिते बड़े चलला कोविड चलला यह गोटे प्रायोजित कार्यक्रम ये गोटे राजनीति चली राजनीति सरकार कर सरकार राजनीति द्वारा कलाकार आज दाण्डर भिकार हो बुलाप बाहर तेणु आम दाबी करुचु अविलम्ब से सुरक्षा भत्ता दि दि जाऊ सांविधानिक आधार उपर आम मनईच्छा कहूनौ सांविधानिक आधार उपर बंचार जो अधिकार अच्छी स्वाभिमान सहित बंचार जो अधिकार अच्छी धारा उन्नीस कोड़े एक धारा अनुजाई कलाकार मानको भत्ता दि जाऊ नचे आगामी दिने जो दिन में एक कलाकार मैंने एकाठी हो जो आंदोलन करेंगे ता निश्चित भाव में सरकार से दायी रही है प्रशासन दायी रही है जहाँ आमको कहते गोटे कलाकार किए रात रंग माखी मुहर जिते अगर को घुसी कराई था दिन हेल्ले सी पुणी सरकार जो जन कल्याणमुखी योजना को पुणी लोक मान पाखे पहुँचेबार जो साहस करके आँ रात अंजरा लोकों पाखे ठिया सरकार गुणगान करते आज से ही कलाकार आज राजस्ते कौन कहे मैं आज पुणी धारा बस कौन दाबी रोचे आमर दाबी सरकार आम पूरण करूँ ता छड़ा आम हूँ मध्यवित पर लोक आम तो कला को बाहरी पार्लुन आम पेट पेटना केमी पशु आम बापा माँ को कमी अनु आमर तो पुओ पिला कहीं ना रोजगार करने रोजगार करने सरकार को हाथ पतवा पड़ ना था जो कि आम राजस्ता को ओह्लु आम दाबी पूरण करूँ आमको मसिक हिसाब से 5000 लेखा दिंतु समस्त किभ गोटे टी न्याय दाबी करते कलाकार अच्छा आज रंगमाखी आसी समस्त सामना को किभली भाव आज दाबी कर जय श्रीराम रामायण अनुष्ठान आमर खरीओठ बाबा लक्ष्मण गोस्वामी रामायण अनुष्ठान दीर्घ 2 वर्ष हम बंद हो जाए किंतु आम बहुत कष्ट चलुचु से ही जात कि पैसा पाथलु आम आम कुटुंब पोषि पारु कि तो सब बंद हो जाए सार मैंने जहाँ कहले बड़ बड़ कलाकार मैंने भी आसी जहाँ कहले कथ मोर एकमत आम समस्त चाहूँ आम किसी सरकार करूँ आम दाबी पूरण कर समस्त भितर से गोटे कथा कलाकार किसी सहायता सरकार प्रदान करेंगे कैमेरा पर्सन को कहबी किभली भाव में खरार आसी से राली कर सरकार जिलापाल द्वार मुहर आज बस सरकार आम दुख शुणे और आमको सुरक्षा भत्ता सहित आम जो मासिक जो भत्ता दरकार से भत्ता गोटे आम पर चलो माधुरी निहाती सही समस्त मन में से गोटे प्रश्न अच्छे सरकार से दुख के शुणे कहीं ये आंदोलन पूर्वर कर आज भी आंदोलन करुंट कि आगामी दिन में कौन पदक्षेप नि सरकार पक्षर जदि से दाबी भी न शुणुंट सरकार तेज से आंदोलन को आहरी जोरदार करेंगे चेतावनी देखते बहुत बहुत धन्यवाद जगत सिंहपुर आम रिपोर्टर जोड़ी रही आम सहित मानस खानन आग को जारी रहा खबर अभियान समय एक छोट ब्रेक। ब्रेक परे स्वागत। कटकु जबत है 1 कोटी अधिक टंकार ब्राउन सुगार 1 केजी 169 ग्राम ब्राउन सुगार जबत कर कमिशनरेट पुलिस लालबाग थाना अंचल जबत हो ब्राउन सुगार यहसह 6 जन को गिरफ्त कर पुलिस एने सूचना देखते पुलिस कमिशनर सौमेन्द्र प्रियदर्शी गत 5 मास भितर कटकु 4 केजी 280 ग्राम ब्राउन सुगार जबत हो बाबदे अधिक सूचना आम सहित आम कटक रिपोर्टर विश्वजित आम सहित जोड़े रही विश्वजित कटकु पुणी थे ब्राउन सुगार जबत हो अधिक कौन अपडेट आसुची देखो लालबाग थाना अंचल पाखापाखि 1 केजी ऊर्ध ब्राउन सुगार जबत करती आज कमिश्नर पुलिस और से 6 जन को गिरफ्त कर जो गिरफ्त व्यक्ति मैंने से जगत सिंहपुर 4 जन रही कटक्र जड़े और पुरीर जड़े यही 6 जन हूँ ड्रग्स पेडलर जो मैंने आणिकी बिक्री करती एगुड़ी बिक्री कराए जगत सिंहपुर पुरी केन्द्रापड़ा यू अंचल नहीं बिक्री कराए कि जो हब रही आप जानते जलेश्वर बालेश्वर यह सब ब्राउन सुगार आसूसी पश्चिमबंग देखिए जहाँ स्वीकार करते निजे सीपी और सीपी मध्य कहते यू बालेश्वर जलेश्वर आसूसी कटक हूँ तार गोटे जेहेतु यहाँ गोटे रही केन्द्र रही कटक यू सब सप्लाई होती जार आनुमूलिक मूल्य रही जाए 1 कोटी ऊर्ध जो रही 1 कोटी टंकार रही मूल्य रही कितु एगुड़िक जितेबाला धरा होना कौट लिंक आसिमबंग बांग्लादेशर कि जितेबाला जलेश्वर गोटे हब पाल्टी सेठार ही सबुआ सबुआ जाए कौटना कौटी कमिशनर पुलिस और जलेश्वर पुलिस ता सहित कलिकतार पुलिस कौटना कौटी आलोचना करके गोटे बड़ पदक्षेप ना कथा जो
ବର୍ଡ଼ର ଦେଇକି ଆସୁଛି ସେଠି ରୋକିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିକର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱର କିଭଳି ପହଞ୍ଚୁଛି, ନିଜେ ସିପି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ କି ଜଳେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ କଲିକତାର ବର୍ଡ଼ର ପାଖରେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା କଲିକତାରେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ କାହିଁକି ରୋକାଯାଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ରଖିପାରୁନାହିଁ, ସେ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କଟକରେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, 1 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରାଣସିକ ଜବତ ହେବା, ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 3 ଘରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 1 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବାଣିଜ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ 1 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବାଣିଜ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି ରହିଛି 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଯାହା ସିପି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଗତ 5 ମାସ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି କଟକରୁ 4 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବାଣିଜ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 4 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟଚଳୀ ପାଲଟିଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଛି ବ୍ରାଉନସୁଗାର, କଟକରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ଏବଂ ଅପରାଧମାନେ ଯେଉଁ ପେଡଲର୍ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏଠାରୁ ହିଁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି। ଓକେ, ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ପାଖାପାଖି 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଇଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ପୁରା 6 ଜଣ ରହିଥିଲେ ନା 6 ଜଣଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବ, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏମାନେ ପ୍ରଥମ କରିମାନେ ଆଣି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ନା ପୂର୍ବରୁ ଏଥିରେ ଅଛି, ସେ ଚେର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପୋଲିସ ଏବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବୋଲି ସୂଚନା ହେଉଥିଲେ ସିପି ନିଜେ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ 6 ଜଣ ଧରାଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଗତସିଂହପୁର 4 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ପୁରୀର ଜଣେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଣେ, ଏ କଟକର ଜଣେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ 6 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ପେଡଲର ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସପ୍ଲାଏର ଥିବେ, ଅନେକ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହିକି ବିକ୍ରି କରୁଥିବେ। ଏମାନେ ଯେଉଁ 6 ଜଣ ଧରାହେଇଛି, ଯଦି ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆଦାୟ କରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠାକାର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଆପଣ ଯେମିତି ସିପି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୁରୀ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ, ସେଠାକାର ମଧ୍ୟ କିଛି ପେଡଲର ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ କି ଏମାନେ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଥିଲେ, କେତେ ଦିନ ହେଲା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ କେଉଁ କୁଆଡ଼େ ଚେର ନମ୍ବିଛି ଏମାନଙ୍କର, ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହେଉନି। ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି, ଏ ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଣିଜ୍ୟ ଜବତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଜବତ ହେଉଛି ଏମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ, ଆର ଚେର କେଉଁଠୁ ହେଉଛି ସେଠି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ବା ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ମାଧୁରୀ, ଓକେ, ଏ ଦିଗରେ ପୋଲିସକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କଟକ ରିପୋର୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ କଟକ ଅର୍ବାନ ପୁଲିସର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଲାଲବାଗ ଥାନାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଚଢ଼ଉ କରି ସେମାନେ 6 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ 6 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 1 କେଜି 169 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଥିଲା। କଟକ ପୁଲିସର ଏଇ ଯେଉଁ କାମକୁ ଆମର ACP ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଅଜୟ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ 6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଇଥିରେ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଏଇ 6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ଭେରିଫାଇ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେସ୍ରେ ବି ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ 2 ଜଣ ଏମିତି ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଅତୀତରେ ବି ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସିଜର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେସ୍ ରହିଛି। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ନଜର ପକାଇବା କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି କରୋନା, ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ପରେ 1000 ତଳକୁ ଖସିଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 886 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 253, କଟକରୁ 81 ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 62 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ କମୁନି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, ପୁଣି 66 ଜୀବନ ନେଇଛି ଭାଇରସ। ଏଥିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 21, କଟକରୁ 13, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 8 ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 6 ଜଣ ମୃତକ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 6501ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଣିମରା ଗାଁର 102 ବର୍ଷୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆଜି କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଅବସରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବରଗଡ଼ର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଣିମରା ଭଳି ଛୋଟିଆ ଗାଁର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଜେଲ୍ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିଲେ। ଆମେ ଦେଶବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ବରଗଡ଼ବାସୀ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପାଣିମରାବାସୀ ଆଜି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ତଥା ଆମର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ଆସୁ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ, ଗର୍ବର ବିଷୟ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପୀଠରେ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବିଜେପିର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଉପରେ। मैं अपनी बात हिंदी में रखूं तो आपको एतराज तो नहीं? धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर राजीव बिंदल है। हिमाचल प्रदेश से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान विधायक हिमाचल प्रदेश, नेशनल कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान नॉर्दर्न स्टेट्स, भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने 28 जुलाई को राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान का दिल्ली में श्री गणेश किया शुभारंभ किया। 33 राज्यों के 121 प्रतिनिधियों ने उस कार्यक्रम में भाग लिया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान के ऊपर पूरे देश भर में 2,00,000 गांव में 4,00,000 हेल्थ वॉलंटियर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया और हर स्टेट में हम लोग जाकर के एक प्रशिक्षण वर्ग ट्रेनिंग कैंप लगा रहे हैं। जो उड़ीसा का ट्रेनिंग कैंप आज भुवनेश्वर में प्रारंभ हो रहा है, हमारा लक्ष्य है कि हम हर गांव में 2 स्वास्थ्य स्वयंसेवक हेल्थ वॉलेंटियर तैयार करें। किसी भी आने वाली कोविड की तीसरी लहर में, थर्ड वेव में, वो जनता के लिए स्वयंसेवक बन करके उनकी सहायता करें। हम ऐसे स्वयंसेवकों को कोविड की सामान्य जानकारी दे करके और उनको समाज सेवा के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल मात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने कोविड की पहली फेज के अंदर फीड द नीडी योजना चलाई, लाखों करोड़ों लोगों को भोजन, राशन, अनन्य प्रकार का सामान उपलब्ध कराया। कोविड की दूसरी वेव में सेवा ही संगठन के माध्यम से एक बहुत बड़ा सेवा का अभियान चलाया और तीसरी संभावित वेव की दृष्टिगत हम पूरे देश के हर गांव में, हर गली में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। जिस प्रकार नरेंद्र भाई मोदी ने और पहली दूसरी वेव के अंदर राष्ट्र को एक नए ऊंचाइयों के ऊपर खड़ा किया, वो देश जो पीपीई किट को इंपोर्ट करता था आज एक्सपोर्ट करता है। हमारे यहाँ के अस्पतालों में वेंटिलेटर बाहर के देशों से आते थे, आज हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था बहुत कम थी, आज उसमें हम मल्टीपल आगे बढ़े हैं। हमने दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन बना करके लगभग 51 करोड़ लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र
सविशेष बुलेटिन को ये रखु नमस्कार।